बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी का एसी का कंप्रेसर है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा, इसलिए हम आज डिसेंबल किए, देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। हम ऑलरेडी पहले ये वगैरह निकाल लिए, टाइम ज़ाया होता बोले, ठीक है। हमने इसको भी निकाल लिए, ये वाल है इलेक्ट्रिकल वाल, अभी हम इसी को डिसम्बल कर रहे हैं। ये इस तरह से रहता, पिस्टन की तरह है ये इंजन का, गाड़ी का इंजन का। इसमें 6 वाल है, देखो। अभी हम चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो ये जैसे कि इंजन की तरह पिस्टन की तरह है, ठीक है। ये वाल है इलेक्ट्रिकल वाल, और गैस को ऑन ऑफ यानी सर्कुलेट करना है तो ये ऑन ऑफ होता ये वाल से। अब इसी को खोल के देखेंगे वाल को। ये अभी निकाल रहे हम लोग, ये वाल है एसी की गैस को ये कंट्रोल करता। ये वाल बोलते सक्शन वाल, ईसीवी वाल भी बोलते। ये इलेक्ट्रिकल वाल है, ये जो इसमें स्प्रिंग वगैरह नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हाई प्रेशर स्विच कट टैप करने पर इसी में पावर आता, फिर इसी से एसी गैस कंट्रोल करता ये वाल। पहले के एसी कंप्रेसर में क्लच कंप्रेसर रहता, अभी क्लच कंप्रेसर हटा दिया गया, इलेक्ट्रिकल वाल दिया है अभी ये, ठीक है। जैसे कि इधर से गैस सक कर कर इधर से रिलीज करता, और ये चेंबर है, ये चेंबर में इंटर होता गैस, और उसके बाद ये पिस्टन इसको प्रेसिंग करती वाल डिस्चार्ज की है। जैसे कि एसी रन होता गैस, इसी के अंदर वाल है, देखिए ये स्टील के वाल है, ये वाल नज़र आ रहे हैं, ये प्लेट वाल की है। हम इसको निकाल के बताएंगे। ये पूरा कमाल इसी के अंदर है, ये देखो ये गैस को ऑन ऑफ करते गैस को, जैसे कि कंप्रेस, जैसे कि पिस्टन कंप्रेस करता तो ये ओपन होते, ठीक है। एक वाल की पट्टी की तरह काम करता है, ये देखिए इसमें पट्टी की तरह है। जैसे कि ये पिस्टन कंप्रेस होगा तो ये डिस्चार्ज होगी, जैसे कि ये पिस्टन बाहर आएगा सक्शन होगा एसी का, और ये इसको कंट्रोल करती है ब्लेड, और इसमें पतला सा ब्लेड है, देखिए ये अगर आपके ब्लेड में कचरा वगैरह आया तो ये ओपन रह जाते, उस टाइम पर कंप्रेसर काम नहीं करता। इसी के लिए इसमें हम खोलकर सफाई भी कर सकते, ठीक है। ये पिस्टन है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा असेंबल है पिस्टन का। जैसे ये घूमता
ये अप डाउन होता है, इसमें ये वाल है सक्शन वाल यानी एसी का इलेक्ट्रिकल वाल है। ये देखिए ये ओरिंग ख़राब होने पर, ये तीन ओरिंग है, ये ओरिंग चेंज करने से एसी काम करता, ठीक है। ये होल है पतले से, इसी से गैस ट्रांसफ़र होता, इलेक्ट्रिकल वाल है। ये इसी में रहता, ठीक है। और इधर से सक्शन होता, फिर ये वाल डिस्चार्ज करता, कंट्रोल करता, ये वाल इलेक्ट्रिकल वाल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाल है छोटा।